तुम लड़ो तुम्हारे सपनों के लिए, खुद के अस्तित्व के लिए, फिर सारी परीक्षाएं खत्म होगी। जिंदगी तो तेरे संग चलेगी, बस तुम रुकना मत। जहां भी रहो लोगों की जरूरत बनकर रहो, बोझ बनकर नहीं। आपकी कद्र वो करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वो नहीं जिससे आप मोहब्बत करते हो। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह बेहतर है, जो मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते थे उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। करीब उसके रहो जो तुमसे दूर ना रह सके। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाला हमेशा अपना ही होता है। जिंदगी में कभी भी किसी बात पर तनाव लेने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर तनाव लेने से इंसान सफल होता तो सबसे ज्यादा सफल दुखी लोग ही होते। घमंड ना करें अपने रूप और रुपयों का, क्योंकि मोर को अपने पंख का बोझ उसे ऊंचा नहीं उड़ने देता। कौन अच्छा है कौन बुरा है उसकी पहचान सिर्फ आपके बुरे वक्त में ही होती है। कोई आपसे नाराज है और उसे ये गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो उसका ये गुरूर कभी टूटने मत देना। मतलबी लोग से रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी अंधा कभी गूंगा तो कभी बहरा होना पड़ता है। अपने ईश्वर से रिश्ता खराब ना करना, दुनिया से रिश्ता बनाने की जरूरत ही नहीं आएगी। परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार और प्यार करने वाला परिवार, ये सब तो हीरे हैं जिनसे जिंदगी हमेशा जगमगाती है। जिंदगी में मुश्किलें आपको डराने नहीं, बस आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को जगाने आती है। जो झूठ पर भी वाह वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बदलते लोग और बदलते रिश्ते चाहे दिखाई ना दे, लेकिन महसूस जरूर होते हैं। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। चार दिन भी नहीं निभा सकता कोई वो किरदार जो पिता जिंदगी भर निभाता है। दिलों में वही बसते हैं जो दिलों के साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा जा सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। टूटे तारे की तरह होता है भाई, कुछ भी मांग लो दिला देता है। बिना मतलब के रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। ना किसी को परेशान कीजिए ना किसी को हैरान कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति आपको अपनी हर बात बता सकता है तो समझ लीजिए वो व्यक्ति आप पर खुद से ज्यादा विश्वास करता है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद ना तो वो रिश्तों की जरूरी समझता है ना ही अपनों को। थोड़ा सा प्यार सब कुछ ठीक कर सकता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है। बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। गम में एक उंगली आंसू पोंछती है और खुशी में 10 उंगलियां मिलकर ताली बजाती है। यही तो है जिंदगी। दुख में कोई नहीं सुख में सब साथी। परखने वालों के साथ नहीं समझने वालों के साथ रहो। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, वो आपको एक दिन अजनबी होने का एहसास दिला ही देगा। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, वो दिल में उतर जाता है। और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, वो दिल से उतर जाता है। भरोसे में इतना अंधा ना बनो कि पास वाले के असली रंग ही ना दिखाई दे। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। ये उन वजहों को पकड़ पकड़ के लाता है जो बेवजह है। औलाद साथ छोड़ देती है लेकिन हम सफर जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक साथ निभाता है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसी गलती मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। सच में साथ निभाने वाले कोई बहाने की तलाश नहीं करते। जिंदगी में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका उम्मीद रब से रखो। सबसे नहीं, रिश्ते सिर्फ मन से होने चाहिए।
मतलब से नहीं। जैसे नीम के वृक्ष पर मीठे फल नहीं लगते, वैसे बुरे इंसान से अच्छी की उम्मीद आप नहीं कर सकते। दोस्तों, जहां से अहंकार नहीं जाता वहां से रिश्ते चले जाते हैं। शोर से दूर कुछ वक्त खुद के साथ बिताया कीजिए, अनसुलझे सवालों को तब सुलझाया कीजिए। अकेले में बैठकर जब खुद से बातें करते हैं तो यकीन मानो अनगिनत सवालों के जवाब हमें मिलते हैं। कुछ कहने